हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेरी लेकर आए हैं जो कि एक स्टूडेंट की क्वेरी है और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है लेकिन टफ नहीं है, मतलब टफ नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें किन्हीं दो लोगों के वेट को लेकर बात की जा रही है। वेट को लेकर की जा रही है, किसको लेकर, एक सेकंड में देख लेती हूँ। पॉकेट मनी को लेकर बात की जा रही है कि कुछ लोग हैं उनकी कुछ पॉकेट मनी है और कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको फुलफिल करके सेटिस्फाई करा के इस क्वेश्चन को बनाना है। तो थोड़ा बहुत सेटिंग अरेंजमेंट जैसा लगेगा क्योंकि जो लोग हैं वो सर्कल में बैठे हैं और लोग सिर्फ छह ही बैठे हैं, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद अपना आप क्वेश्चन बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा प्ले करके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिक्स पर्सन नेमली ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वली स्पेस्ड सीट्स फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। वेरी 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 इजी, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये वाले क्वेश्चन हमने कितने किए हुए हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं और छह ही लोग हैं, तो छह लोगों को एक सर्कुलर टेबल में बैठाना। और अच्छी बात क्या है, वो कहाँ देख रहे हैं, पता है। अच्छा मैम, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है देखना कि भाई अगर पता हो हमें कि वो बंदा कहाँ देख रहा है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा लेफ्ट और राइट कहाँ पढ़ने वाला है। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर बंदा यहाँ बैठा होगा उसका लेफ्ट और राइट डिसाइड हो जाता है। इसलिए ये जो एरो होता है, मतलब बंदा कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, ये एक वो होता है, एक माइलस्टोन जो आप पार कर जाते हो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ईजी है। ठीक है, फिर देख लेते हैं। कहता है दे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी सच दैट द सम ऑफ पॉकेट मनी ऑफ द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इज ऑलवेज 110। समझ गए होंगे, हाँ, इंटेलिजेंट तो हो ही आप। कह रहा है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सबके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट मनी है। सब किसी की पॉकेट मनी सेम नहीं है, एक बात याद रखिएगा, डिफरेंट पॉकेट मनी है। और कुछ इस तरीके से है कि जो अपोजिट बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ए बैठा है और यहां पर भी बैठा है, फॉर एग्जाम्पल, तो उन दोनों के आमने सामने जो बंदे बैठे हैं अपोजिट कहलाएंगे। इनकी जो पॉकेट मनी का सम है वो 110 के बराबर है, यानी कि इसकी और इसकी पॉकेट मनी को अगर हम ऐड कर दें तो 110 के बराबर है, इसकी और इसकी पॉकेट मनी को ऐड कर दें तो वो 110 के बराबर है, इसकी इसकी पॉकेट मनी को ऐड कर दें तो वो 110 के बराबर है। आगे बोलता है ऑल द पर्संस हैव डिस्टिंक्ट अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी एंड इट्स ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक और शर्त रख दी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबकी पॉकेट मनी अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को 10 रुपीज मिल रहे हैं तो किसी और को भी 10 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ही हो सकता है जिसको 10 रुपीज मिलेंगे, दो लोग नहीं हो सकते, राइट। अच्छा, फोन बंद हो गया, चलिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोलता है आपसे इन सबकी जो पॉकेट मनी है उसकी एक शर्त और है कि वो पॉकेट मनी 10 के उसमें है, मल्टीपल में, यानी कि अगर मान लो इसकी 20, इसकी 30, इसकी 40, ऐसे 10 का मल्टीपल आप जानते होंगे। ठीक है, फिर कह रहे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उनके बारे में आपको पता है और आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है बी सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है सेकेंड लेफ्ट है ए के। मैंने हमेशा आपको बताया है जिस भी बंदे की पोजीशन दी होती है, जिसके रिस्पेक्ट में दी होती है, उसको पहले बैठाते हैं। तो अगर बी सेकेंड लेफ्ट है ए के तो ए को बैठाओ, सर्कल है बेटा, क्लोज स्ट्रक्चर है, कहीं भी आप ए को बैठा सकते हो। तो इसलिए परेशान मत होना कि मैम ए को आपने यहां क्यों बैठाया, वहां क्यों बैठाया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बैठा देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन, मैम आपने दो डायग्राम क्यों लिए, भूल गए होंगे, है ना, पॉसिबिलिटी अगर बनती है तो इसलिए मैं दो डायग्राम ले लेती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो एक ही में घुछ-पुछ कर लो लेकिन वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो अलग अलग दो फेयर डायग्राम ले लो, पॉसिबिलिटी कैन बी 4, कैन बी 5, कैन बी 6 और इससे भी ज्यादा हो सकती है, बट आप मिनिमम दो डायग्राम लेके चलेंगे तो ये अच्छी हैबिट होती है, तो पहले से लेके चला करो। तो कहता है बी सेकंड लेफ्ट है ए के, तो एक दो बी यही आएगा, एक दो बी यही आएगा, दोनों डायग्राम सेम चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है अभी। ठीक है, आगे बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द पॉकेट मनी ऑफ एफ एंड ई इज 1200 1200। जो प्रोडक्ट है किसका, पॉकेट मनी एफ और ई का, वो 1200 के बराबर है, यानी कि 1200 के बराबर है, यानी एफ और ई की जो भी पॉकेट मनी है। मैंने फिर से बता दूं, मैंने ये नहीं कहा कि वो दोनों अपोजिट बैठे, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, वो कहीं भी बैठे हो लेकिन उनकी पॉकेट मनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर कर दो आप उनकी दोनों की पॉकेट मनी को तो 1200 के बराबर है। अब आपने एक और चीज पढ़ी थी इस क्वेश्चन में ही दी हुई है कि मल्टीपल में है 10 के, तो 1200 मतलब आप अगर 1200 की बात करें तो 60 × 20 भी 1200 होता है, 1200 की बात करें तो ऐसे तो 40 × 30 भी 1200 होता है, यानी 12 के मल्टीपल देख लो आप, तो 2, 2 एंड 3 ये 12 के मल्टीपल होते हैं, राइट। अगर आप 12
सिर्फ 12 को एचसीएफ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा इनके फैक्टर्स होते हैं 2, 2 और 3, तो या तो 2 2 4 और इंटू 3, 4 3 या तो 2 3 6, 6 2, तो ये बन गया, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि मैम 10 × 12 भी तो बन सकता है, 10 × 12 नहीं बन सकता बेटा, क्यों, 10 × 12 120 बनेगा। अगर आप कहें कि मैम ठीक है एक काम करते हैं 120 × 10 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, 120 × 10 कर दोगे तो भी हो सकता है, 120 × 10 वो भी आपका कितना बनाएगा 1200 बनाएगा, बिल्कुल सही है, एक 10 है एक 120 है और दोनों ही 10 के मल्टीपल में, बिल्कुल। लेकिन इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है ना, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती मैम कि कोई और नंबर आ जाए, यही फैक्टर्स है बस, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है आपसे डी हु डज नॉट सिट विद बी, डी जो कि बी के साथ नहीं बैठता, बी के साथ नहीं बैठता, बी के साथ नहीं बैठता मतलब क्या है मैम इसका, बी के बगल में नहीं बैठता, बी के साथ नहीं बैठता मतलब उसके आजू बाजू नहीं बैठता, तो जो डी है वो बी के अगल बगल नहीं बैठता, यानी इधर नहीं बैठने का, इधर नहीं बैठने का, इन दोनों जगह में नहीं बैठेगा, तो दोनों जगह में नहीं बैठ सकता तो कहां बैठेगा, डी को बैठाए बिना तो क्वेश्चन पूरा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा बिल्कुल, तो डी इधर तो बैठ सकता है, ये दो जगह खाली तो है, तो एक फिगर में मैंने डी को यहां बैठा दिया और एक फिगर में डी को मैंने यहां बैठा दिया, इन दोनों के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। कहता है डी जो कि बी के बगल में नहीं है, सिट अपोजिट टू द पर्सन हैविंग पॉकेट मनी एज ₹70, ये डी के बारे में बोला गया है। कुछ लोग सोचते हैं मैम ये बी के बारे में बोला गया, नहीं नहीं, सेंटेंस बी डी के बारे में है, तो डी जो कि बी के बगल में नहीं है वो आदमी उस आदमी के अपोजिट है जिसकी पॉकेट मनी ₹70 है, तो डी के सामने वाला अपोजिट जो बंदा बैठा है उसकी पॉकेट मनी ₹70 है, डी के सामने जो बंदा बैठा है उसकी पॉकेट मनी ₹70। और मैंने आपको बताया था कि मतलब क्वेश्चन में आपको बताया था कि दो लोग जो अपोजिट बैठे हो उनकी पॉकेट मनी का सम ₹110 के बराबर है, तो अगर ये 70 है तो 70 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेगी 110 हो जाए, आपकी मैथ सच्ची है 40, राइट, तो यहां पर 70 है तो यहां पर क्या होगा 40, ठीक है, तो 40 + 70 = 110, लेकिन अभी हमें फिक्स नहीं है कि ये डायग्राम होने वाला है आंसर या ये वाला होने वाला है। फिर आपसे बोलता है नो पर्सन हैज पॉकेट मनी ऑफ ₹30, किसी भी व्यक्ति की पॉकेट मनी ₹30 नहीं है, इसका मतलब क्या है मैम, यूज होगी ये लाइन, किसी बंदे की पॉकेट मनी ₹30 नहीं है, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका फैक्टर 40 × 30 कुछ बनने वाला है तो ये तो बनने सरा, अगर 40 × 30 बनेगा तो मतलब या तो एफ की या तो ई की किसी की पॉकेट मनी 30 होने वाली है, और वो कह रहा है 30 किसी की है ही नहीं, किसी की भी नहीं है, इनकी छोड़ो किसी की भी नहीं है, तो उसका मतलब ये वो बंदे हो नहीं सकता, यानी वो फैक्टर 40 × 30 का नहीं बन सकता, 40 × 30 का नहीं बन सकता, तो ठीक है भैया 40 × 30 का नहीं बनेगा, तो अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो 120 और 10 का बन जाएगा या तो 60 और 20 का बन जाएगा, राइट। लेकिन लेकिन मैम क्या 120 और 10 वाला भी बन सकता है, सोचो उस समय तो क्वेश्चन पड़ा था तो बड़े जोर शोर से हमने 120 और 10 रखा, नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मैम जो अपोजिट बैठे होंगे ना, अपोजिट बैठने वाले लोग जो होंगे उनका सम ही 110 के बराबर है, आप अगर एक ही पर्टिकुलर बंदे की 120 ले लोगे तब कैसे गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, आप बोलो 120 सामने वाला और सामने वाला -10 हो जाएगा तो 120 - 10 = 110 हो जाएगा, -10 किसके पास पॉकेट मनी होती है भाई, किसी के पेरेंट देते हैं पॉकेट मनी या कोई गार्जियन है वो देगा, ऐसे तो नहीं कि -₹10 ऊपर से ले लेगा उससे, नहीं, तो ये वाली वैल्यू भी कभी नहीं हो सकती। फिलहाल जो मैंने पहले लिखी है वो क्यों लिखी है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में तीनों आएंगे, ठीक है, अगर दिमाग होगा तो लगा रहोगे तो, अदरवाइज आपको ये समझ में आ गया कि एफ और ई की जो पॉकेट मनी है वो 60 और 20 रुपए, लेकिन 60 किसकी है 20 रुपए किसके, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे वो बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ पॉकेट मनी ऑफ ए एंड द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए इज ₹20, ए और उसके इमीडिएट लेफ्ट बैठने वाले बंदे का जो पॉकेट मनी है उनका जो डिफरेंस है उनका जो अंतर है वो ₹20 का है। चलो भाई ए यहां बैठा है, ए के जस्ट लेफ्ट में जो बंदा बैठा है उसकी पॉकेट मनी का डिफरेंस, इनकी पॉकेट मनी का डिफरेंस ₹20 का है, ठीक है, इसकी नहीं पता, इसकी नहीं पता तो कैसे बता दूं, 20 तो बहुतों का डिफरेंस होता है। इधर की बात करें इस वाले डायग्राम में बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ए और उसके बाजू में जो बैठा है उस बंदे की जो पॉकेट मनी है उनका डिफरेंस किसके बराबर है, किसके बराबर है, 20 के बराबर, तो मैम या तो ये वैल्यू 50 होने वाली है क्योंकि 70 में से 50 हटा दो तो भी 20 आता है, या तो ये वैल्यू मैम 90 होने वाली है क्योंकि 90 में से 70 घटा दो तो भी तो 20 होने वाला है, तो यानी कि डिफरेंस दोनों केसेस में 20 ही आएगा, लेकिन ये 90 है या 50 ही नहीं पता, क्योंकि उसने ये थोड़ा ना बताया कि बड़ा ज्यादा पॉकेट मनी इसके पास है या इसके पास है, कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, इधर तो खैर बता ही नहीं सकते अभी, ठीक है। फिर कहते हैं एफ डज नॉट सिट विद ए, एफ ए के साथ नहीं बैठता, साथ का मतलब समझते हो अगल बगल, एफ ए के बगल में नहीं बैठता, यानी एफ यहां नहीं बैठता
और इधर कहीं भी बैठ सकता है, यानी इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है। इधर की बात करें, एफ ए के बगल में नहीं बैठ सकता, यानी इधर और इधर नहीं बैठ सकता, ये ए के बगल वाली सीट है, तो यहां फिक्स है कि एफ यहां बैठेगा। इधर भी फिक्स नहीं है, एफ इधर इधर कहीं भी बैठ सकता है, इधर फिक्स है कि एफ इधर ही बैठेगा, राइट। और फिर बोलता है आपसे कि एंड हैज हायर अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी देन दैट ऑफ ए, ए से ज्यादा पैसे पॉकेट मनी है किसकी, एफ की, एफ की पॉकेट मनी ए से ज्यादा है। अगर मैम एफ की पॉकेट मनी ए से ज्यादा, यानी एफ के पास ज्यादा पैसे एज कंपेयर टू ए, यानी इनका सम जो है वो 110 के बराबर तो बनना ही चाहिए, लेकिन उसकी शर्त है कि भाई मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे है। इधर की बात करें तो एफ कह रहा है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे है, किससे बोल रहा है, ए से, कि मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे है। अब बच्चा सोचता है कि मैम अब कैसे बनाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन तो हो गई है खत्म, अब कैसे किया जाए। तो जरा देखिएगा, आपको भी एफ और ई का पता नहीं है, लेकिन बेटा अगर एफ यहां बैठ गया तो ई या तो यहां बैठने वाला है, दोनों जगह में से कहीं। पहले इस फिगर को देखना जो हमारे पास, जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वहां पे तो खैर इंफॉर्मेशन कम है, बट इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो जरा देखिएगा, अब आप खुद बताइए मुझे, अगर यहां पर एफ और ई का जो वैल्यू है वो 60 या 20 है, तो 60 या 20 के हिसाब से क्या ई यहां बैठ सकता है कभी, क्योंकि यहां तो फिक्स एफ, बी, एफ, डी और ए, दोनों इन दोनों जगह में से एक जगह ई की है, तो ई की ये जगह तो हो ही नहीं सकती। अगर ई की ये जगह होगी तो ई के पास तो 70 रुपए होंगे एज अ पॉकेट मनी, बट ई तो कह रहा है मेरे पास या तो 60 है या तो 20 है, तो इसका मतलब कंफर्म है मैम कि आपका ई यहां है, और ई यहां है तो ई के पास पैसे कितने हैं। मैंने कहा भाई या तो उसके पास 60 रुपए हैं या तो उसके पास 20 रुपए हैं, 60 या 20, क्योंकि उनका प्रोडक्ट वो करना है हमें, एफ का पता, एफ ये रहा, एफ के पास या तो 60 या तो 20, क्योंकि 60 और 20, अगर 60 इस पे हैं तो 20 इस पे होंगे, इस पे 20 इस पे 60 होंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट मुझे हर हाल में 1200 बनाना है। लेकिन अब बात आती है इनकी, इनकी बात आती है, तो इनमें अगर मैं देखूं कि भाई इनके आमने सामने वालों का जो सम होता है वो कितना आना चाहिए, 110 के बराबर आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा यहां 90 रखते हैं या 20 रखते हैं तो भी 110 है, मैं आपको बोलूं यहां 90 रखते हैं या 60 रखते हैं तब 110 नहीं है, यानी कि 90 के साथ 20 का पेयर बन सकता है। मैं बोलूं यहां 50 है तो 20 नहीं, क्योंकि 50 और 20 70 हो जाते हैं, लेकिन अगर यहां 50 है तो यहां 60, तो 50 और 60 भी 110 हो जाते हैं, राइट। अब यहां की बात करें तो डिफरेंस तो अभी भी 20 का आ ही रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कोई समस्या ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम फिर कैसे एडजस्ट करें, तो देखो बेटा एक बी भी तो है, और एफ ने क्या बोला था, एफ ने कहा था ए मेरे पास तुमसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये बोला था ना एफ ने, कि ए ने, एफ ने कहा था ए मेरे पास तुमसे ज्यादा पॉकेट मनी है। अगर मान लीजिए बेटा ए को 90 रुपीज मिलती पॉकेट मनी, तो एफ को तो या तो 60 मिल सकती है या तो 20 मिल सकती है। अगर इसको 90 रुपए पॉकेट मनी पकड़ा दी जाए तो एफ के पास चाहे 60 रुपए हो चाहे 20 रुपए हो, पॉकेट मनी ए से कमी रहेगी, और ऐसा होने ही देगा वो, क्योंकि उसने तो कमिटमेंट कर दी, उसने बोला कि ए तुमसे ज्यादा पॉकेट मनी मुझे मिलती है, इसका मतलब ए के पास कभी भी बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, यानी 90 नहीं हो सकता, इसका मतलब ए के पास 50 होगा, और अगर इसके पास 50 है तो सामने वाला बंदा 60 रुपए लेके बैठा होगा, राइट, 60 रुपए लेके बैठा होगा, क्यों, क्योंकि बेटा 60 और 50 मिलके 110 बनाते हैं, 60 और 50 और 20 नहीं बनाते 110, ठीक है, तो फिक्स हो गया। अब अगर 60 उसके पास है तो ई भी अपना हाथ झाड़ लेगा और ई कहेगा भाई मेरे पास इसका मतलब कितने हैं, मेरे पास 20 रुपए हैं एज अ पॉकेट मनी, ठीक है। अगर इसके 20 रुपए हैं तो सामने वाले के पास कितने रुपए होंगे, मैंने कहा 90 होंगे, क्योंकि 110 होना चाहिए अपोजिट वालों का सम, तो 90, 100, 110, इसमें भी 60 और 50, 110, 40 और 70, 110, ए बैठ गया, बी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, यहां पर सी को बैठा दो, इस हिसाब से तो डायग्राम बिल्कुल सही है, सारी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, बिल्कुल सही है ये डायग्राम है आपका, राइट। लेकिन 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 मैम इसको तो आपने अधूरे में छोड़ दिया, इसका तो आपने कुछ किया ही नहीं, चलो करते देखते हैं कि ये डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा, पॉसिबल डायग्राम बन सकता है या कुछ गड़बड़ है। तो जरा देखिएगा, एफ यहां भी आ सकता है बेटा, यहां भी आ सकता है, राइट। अब मैं अगर ई की बात करूं कि ई तुम कहां कहां आ सकते हो, तो ई ने कहा भाई मैं यहां भी आ सकता हूं, मैं यहां भी आ सकता हूं, मैं तो यहां भी आ सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे, मैंने कहा बात तो सही है, यहां 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 कहीं भी आ सकते हो, कोई समस्या ही नहीं। अगर मैं बोलूं ए बैठा दिया, बी बैठा दिया, डी बैठा दिया, ये तो फिक्स हो गए, सी, ई और एफ जो है वो फिक्स नहीं है, तो सी यहां भी तो आ सकता है, सी तो यहां भी आ सकता है, और सी का बस चले तो सी तो यहां भी आ सकता है, क्या समस्या है, नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा तो कुछ कहा नहीं हो कि ये इसके अपोजिट होना चाहिए, वो इसके, डी बी के अपोजिट हो गया, इनका सम 170 के बराबर हो गया, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ए यहां पर फिक्स हो गया, इनको दिक्कत नहीं है, तो यहां तो डी नहीं, यहां सॉरी एफ नहीं आ सकता, ए के बगल में ई और सी में से कोई भी आ सकता है, यहां पर एफ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है और सी भी आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बी ने कहा था मेरे बगल में डी नहीं होगा, लेकिन ई एफ और सी नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं कहा था।
अब समस्या नंबर एक कि मैम देखो ना कितना हॉच पॉच बन रहा है, कौन कहाँ बैठ रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यूज अगर आ जाए और अगर ये फिक्स हो जाए तो इट मे बी अदर पॉसिबल डायग्राम, बिल्कुल हो सकता है पॉसिबल डायग्राम। तो मैंने कहा ठीक है तो क्या करें, कहता है भाई ये वाली लाइन को ही यूज करना पड़ेगा और कोई लाइन है ही नहीं हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं। तो कहता है ठीक है एफ और ई यानी 60 और 20 का कॉम्बिनेशन बनाओ। अब देखो अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि बेटा यहाँ एफ है यहाँ ई है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एफ और ई अपोजिट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो अपोजिट हो गए तो 60 70 80 ये 80 का सम देंगे, हमें 110 का सम चाहिए, यानी एफ और ई अपोजिट कभी नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है, यानी अगर यहाँ ई होता है तो वहां एफ कभी नहीं हो सकता, वहां से एफ हट ही जाएगा, और ई अगर यहाँ आ गया तो यहां से ई हट जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सी होता, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ ई भी हो सकता है एफ भी हो सकता है, फिर यहाँ से सी हट जाएगा। लेकिन समस्या तो वही है ना मैम कि हमें कैसे पता चलेगा कि सी है कि ई है कि एफ है, यानी पॉसिबिलिटीज हमें चेक करनी पड़ेंगी। और एफ के पास ए से बड़ी वैल्यू है ये भी याद रखना, ठीक है एफ के पास ए से बड़ी वैल्यू है ये भी याद रखना। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं यहां पर मान लेते हैं पहले कि यहां पर ई था, मान लेते हैं अगर यहां पर ई था और E की वैल्यू 60 या 20 में से कुछ होगी, या तो 60 होगी या तो 20 होगी, ऑब्वियसली अगर यहाँ E है तो यहाँ F नहीं हो सकता, और E तो यहाँ आ गया तो यहाँ फिर 100% C होगा और फिर F को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है मुझे यही करना पड़ेगा, और F के पास A से ज्यादा वैल्यू है इस बात का खास ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ठीक है ये मान लिया हमने, तो इसका क्या फायदा, क्या फायदा कैसे हमें कुछ पता चलेगा। मैंने कहा E की वैल्यू या तो 20 होगी या तो 60 होगी, अगर E की वैल्यू 20 हो जाए, मान लो अगर E की वैल्यू 20 है, ठीक है क्योंकि 60 या 20 में से कुछ हो सकती है, अगर E की वैल्यू 20 है तो 100% C की वैल्यू, F की वैल्यू कितनी होगी 60, क्योंकि 1 की 20 तो 1 की 60, और F ने कहा था A मेरे पास तुमसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो यानी A की वैल्यू 70 से कम होगी जो भी होगी, और 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए तो 60 से कम होगी, तो 60 से कम 50 हो सकती है, 40 हो सकती है, 30 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 तो उसने कहा था किसी की है ही नहीं, 10 हो सकती है। लेकिन बेटा फिर क्या इन दोनों को मिलाकर, क्या इन दोनों को मिलाकर 110 आ सकता है, मैम आ सकता है, और वो सिर्फ तब आ सकता है कि अगर ये 70 है 60 है तो इसको क्या होना पड़ेगा 50, तभी आ सकता है अदरवाइज नहीं आ सकता। मैंने कहा ठीक है 50 और 20 का डिफरेंस, क्या 20 हो रहा है, नहीं हो रहा है मैम, 50 और 20 का डिफरेंस तो 30 होता है, 20 थोड़ी ना होता, फंस गए, और कोई नंबर मैं एडजस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि इनको इनका समी मुझे उतना बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है ये मान लेते हैं कि E की वैल्यू 60 है, क्योंकि अभी तो 20 मान ना, E की वैल्यू 60 है और 20 फिर किसकी हो जाएगी, F की हो जाएगी, और F कह रहा है मेरे पास जो वैल्यू है वो A से बड़ी है, तो A की वैल्यू 20 से कम होगी, 20 से कम 10 का मल्टीपल 10 होता है, तो अब इसका डिफरेंस 50 के बराबर आ रहा है, ये तो 20 चाहिए ना, तो हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता, यानी कि यहां पर E कभी भी हो ही नहीं सकता। चलो मैंने कहा ठीक है ई नहीं हो सकता मैम, तो एक दावेदार और था सिर्फ, एफ तो आ नहीं सकता लेकिन सी तो आ सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ सकता है मैम, हम यहाँ पर सी को बैठा देते हैं, अगर यहाँ सी है तो सामने सी नहीं होगा, या तो ई होगा या तो एफ होगा, राइट, और यहाँ भी या तो ई होगा या तो एफ होगा, क्योंकि या तो ई रह सकता है यहाँ पर या तो एफ रह सकता है, उसके अलावा तो कोई नहीं रह सकता। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा चलो वैल्यू बनाते हैं, वैल्यू बनाना बचता आसान नहीं है समझना, ठीक है ई और एफ, एक की वैल्यू अगर 60 है तो दूसरे की वैल्यू 20 होने वाली है, 60 और 20, क्योंकि अगर ई एफ यहाँ है, अगर सी यहाँ है तो, क्योंकि यही विकल्प है फिर हमारे पास, ई नहीं बैठ रहा तो सी को ही बैठाना पड़ेगा, ई तो बैठ नहीं रहा है तो 100% सी बैठेगा, यहाँ पर तो फिक्स है, ई और एफ को देख लेंगे फिर। अब मैंने कहा ठीक है अगर तुम्हारी 20 है तो इसकी कितनी होनी चाहिए, उसने कहा मेरी तो होनी चाहिए 90, और मैंने कहा तुम दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, कह रहा डिफरेंस हमारा जो होना चाहिए, अगर इसकी यहाँ पर आप ये मान लो कि यहाँ ई है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ ई मान लिया तो आपने यहाँ एफ माना होगा, और अगर आपने 20 इसको रखा तो 60 इसको रखा होगा, और आप कह रहे हो कि आपकी वैल्यू जो है ए से बड़ी है, तो ए की वैल्यू 60 से कम होगी, 60 से कम और इनका डिफरेंस 20 आना चाहिए, तो 60 से कम 50 हो सकती है, 40 हो सकती है, 30 हो सकती है, 30 तो खैर किसी की नहीं होगी, 20 हो सकती है, 10 हो सकती है, किसी से भी डिफरेंस निकालो, क्या 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, कोई नंबर ही नहीं ऐसा, तो समझ लो आप, यानी सी यहां भी नहीं बैठ सकता, यानी कि जब सी ही नहीं बैठ सकता वहां की बात तो हम बाद में करेंगे, यानी कि ये पॉसिबल डायग्राम बन ही नहीं सकता कभी, क्योंकि कोई भी नंबर यहां पर कंफर्म सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, चाहे आप कुछ कर लो, यहां पर ई और सी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता बेटा, एफ आ ही नहीं सकता यहां पर, एफ ने मना कर दिया है, राइट, तो इसलिए ये इसका डायग्राम होगा, सही आंसर आपका है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार प्लीज खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने वीडियो देखा और आपको समझ में आ गया, नहीं, इसको खुद बनाएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इसी वादे के साथ कि अगले क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे, आप लोगों से लेते हैं विदा।